मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे 9:45, अब से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बड़ी हड़बड़ी थी। आज थोड़ा सा हम लोग लेट सो के उठे और अंगद की मीटिंग थी सुबह 11 बजे। उससे पहले उसको ऑफिस पहुंचना था और ऑफिस पहुंचने में कभी लगता है 40 मिनट, कभी लगता है 2.25 घंटे, 2 घंटे, डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है ट्रैफिक बैंगलोर में, कुछ आप नहीं कह सकते। ये वाला बैग तो मैंने आपको दिखाया था ना पिछले व्लॉग में कि नया मंगवाया नीव के लिए, शाम को नीचे लेके जाने के लिए सुबह शाम। साथ में मैंने ऑर्डर किया है ये वाला वाटर बॉटल, तो ये कल शाम को डिलीवर हुआ। ये स्पेशली तब के लिए है जब वो नीचे आएगा खेलने के लिए ना, तब इसमें पानी लेकर जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि देखिए इसमें हैंडल दिया हुआ है तो बच्चे खुद से भी पकड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और जो इसका निप्पल है ना, ये मैंने फास्ट फ्लो वाला अलग से मंगवाया। जो इसके साथ आ रहा था ना, वो वाला आ रहा था 6 मंथ्स बिलो के लिए, पर मैंने 6 मंथ्स अबव वाला फास्ट फ्लो वाला निप्पल अलग से मंगवाया। वो फैन कहाँ है? वेरी गुड, वो फैन है। लाइट्स का है? लाइट्स का है, वेरी गुड। वैसे लाइट्स में बेचारा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि घर में इतने सारे लाइट्स है कि कौन सा लाइट देखकर इस औरत को बताऊं कि ये रहा लाइट। नहीं, वो खेल करके आ गया नीचे से घूम घूम करके, अब कहाँ जाना है। अभी देखिए दीदी को ऐसे करके वो बताता है कि मुझे आगे ले चलो। ऑनलाइन ग्रोसरीज वगैरह तो ऑर्डर करती रहती हूँ। कल जब मैं ऑर्डर करने के लिए बैठी ना, तो देखती हूँ कि वहां पे एक सेक्शन बन गया है कॉस्मेटिक्स का, टॉयज का, मतलब वो सब चीजें भी अब मिल रही है आपको। मतलब मैं ब्लिंकिट कर लेती हूँ, 15-20 मिनट में आ जाता है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ कुछ चीजें मंगवानी तो है, चेक करते हैं। मुझे लेना था एक्चुअली एक लिपस्टिक और बहुत दिनों से क्लचर लेना था, तो ये 2 रबर बैंड लिया ब्लैक एंड रेड में। उसके बाद ना मुझे लिपस्टिक चाहिए था, तो लिपस्टिक में मैंने लिया है देखिए फेसेस कनाडा का, और अच्छा है। मैं दिखाती हूँ उसका कैसा है कलर। तो ये फेसेस कनाडा का मैंने फर्स्ट टाइम लिपस्टिक लिया है, पहले कभी भी नहीं लिया था, पर अच्छा होता है मैंने सुना है, तो ये लिया। उसके बाद मुझे कोम्ब चाहिए था अपने लिए, तो वेगा का ये वाला कोम्ब ले लिया। एक ये आफ्टर शैम्पू वाला कोम्ब है, ये नॉर्मल वाला कोम्ब है। उसके बाद में क्लचर भी लिए मैंने, तो ये भी मुझे अच्छा लगा, ब्लैक कलर में किसी भी ड्रेस पर चल जाएगा। और ये वाला थोड़ा सा यूनिक सा लगा, ऐसे बटरफ्लाई बन जाएगा, तो ये भी सुंदर सा है। तो 2 क्लचर लिए। उसके बाद मैंने डियो लिया, और पता है कौन से ब्रांड का डियो लिया? मर्सिडीज का डियो लिया। मुझे ना मैन डियो, मैन परफ्यूम ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोगों में से कौन कौन है जिनको मैन वाले अच्छे लगते हैं? क्योंकि ना ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। मुझे फ्लोरल वाले उतने नहीं अच्छे लगते, मुझे वुड वाले, स्पाइस वाले वो सब अच्छे लगते हैं। तो मैं अंगद का परफ्यूम डियो लगाती रहती हूँ, तो मुझे ये वाला दिखा तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और अंगद मुझे बोल रहा है तुम्हें क्या कब से ऐसे कार्स का शौक हो गया, घड़ी मेरे लिए कार वाले ब्रांड की आ रही है, अब डियो कार वाले ब्रांड का आ रहा है। तो वो बात तो नहीं है, बस हाँ अच्छा लगा कि मुझे ट्राई करते हैं, एक्चुअली ये बहुत अच्छा है। लिपस्टिक का शेड तो मैंने बताया नहीं, देखिए ये वाला शेड है, बहुत ही सुंदर सा ना रेड कलर में है। एंड इसका जो कोड है वो मैं आपको बताती हूँ, इसका कोड है ओवर एंड आउट 04। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। मेरे व्लॉग में ना वैसे आपको ज्यादा मेकअप वाला जो है पार्ट दिखेगा नहीं, ज्यादा ज्ञान मेरे पास है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं। मैं कम मेकअप करती हूँ, कम खरीदती हूँ, तो क्या शेयर करूँ, थोड़ा बहुत जो यूज करती हूँ बताती हूँ। तो लिपस्टिक तो लगाती रहती हूँ ऑफकोर्स, पर लिपस्टिक को लेकर के मुझे टेंशन हो गई थी प्रेगनेंसी में, क्योंकि लिपस्टिक में होता है लेड और भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स। मैंने जो रिसर्च किया था कि कौन सा ब्रांड अच्छा रहेगा, 3-4 नाम आए थे, पर मैंने जो ब्रांड लिया था वो देखिए पहले तो मैं दिखा दूं, सोल्ड ट्री, ये देखो ये जो है ये प्रेगनेंसी सेफ है। और भी 3-4 ब्रांड है जो सेफ है, तो पर ये वाला मुझे सही लगा था प्राइस भी। तो ये आपको कम से 1300 या 1400 का लिपस्टिक आता है, और एक लिपस्टिक आपका 9 महीना तो आराम से चल जाएगा। तो कोई ऐसा एक शेड लीजिए जो आप फ्रीक्वेंट पहन सकते हो। पूरी प्रेगनेंसी मैंने लगाया ये वाला लिपस्टिक, और देखिए इतना सा बचा। ये वाला जो शेड है अगर आपको सेम लेना हो तो देखिए ये है ग्लोइंग वायलेट 530। आज भी देखिए बैंगलोर में अच्छी खासी धूप निकली हुई है, पर बेस्ट पार्ट ये है कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो गर्मी बिल्कुल नहीं है। मतलब धूप है ताकि कपड़े कपड़े सूख जाए, लेकिन हाँ गर्मी नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं या फिर न्यू मॉम हैं और बेबी के लिए शॉप कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप ये लव लैब के मस्टर्ड सीड पिलो में जरूर इन्वेस्ट करिए। मैंने नीव के लिए मस्टर्ड सीड का पिलो यूज किया है, आपसे शेयर भी किया है कई बार वीडियोज में, कॉट वाली वीडियो में और हर जगह। तो देखिए जनरेशन से हमारी कंट्री में ना बच्चों के हेड को शेप करने के लिए मस्टर्ड सीड्स का यूज किया जाता है। लव लैब का ये मस्टर्ड सीड पिलो बना है स्किन फ्रेंडली 100% कॉटन से, और इसका जो कवर है ये मशीन वॉशेबल है। तो मस्टर्ड सीड पिलो यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये आपके बेबी को देता है नेक एंड स्पाइन सपोर्ट, और प्रिवेंट करता है फ्लैट हेड सिंड्रोम को। इसमें जो आप देख रहे हो मस्टर्ड सीड्स, वो ब्रीदेबल है और 100% नेचुरल है, और ये एयर सर्कुलेशन को प्रमोट करते हैं फॉर ईजी ब्रीदिंग। और एक और हिडन बेनिफिट होता है अगर आप मस्टर्ड सीड पिलो यूज करते हो, वो ये है कि आपके बेबी को ये प्रोटेक्ट करता है कफ एंड कोल्ड से भी, क्योंकि इसमें है नेचुरल वार्मिंग प्रॉपर्टी, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आप जरूर इसको परचेस
करिएगा अगर आपको लेना है तो। लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप खुद के लिए पिलो परचेस कर सकते हैं। ओके, उठ गया नींबू, देखिए। अरे याद है मैंने कहा था ये मुझे ठीक करवाना है, ये अभी तक मैंने ठीक तो करवाया नहीं क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। पर इतना ज़रूरी लग रहा है क्योंकि देखिए जंग लगा हुआ है, उसमें वो उंगली डालता है, किसी दिन उसको मुंह में ले लेगा, तो मुझे ये करवाना ही है। पर ये इतना छोटा काम है ना, बस इसको रिपेंट करना है। उस ग्रिल वाले को इतनी बार बोला है ना, वो आ ही नहीं रहा है। अभी समझ नहीं आ रहा है इसका करे क्या, क्योंकि ये बच्चा तो खेलता रहता है यहाँ पे। नीवो, आंटी नहीं आएगी मसाज के लिए? नहीं आएगी आंटी? पता नहीं मिस करता है कि नहीं करता है, पर जब आती है तो खेलता है उसके साथ बहुत। शाल लेने के बाद नीबू को ये पहनाऊंगी जो नया लिया था ना, इसको वॉश कर दिया। पर दिक्कत क्या आई, अभी मैं देख रही हूँ इसमें किसी चीज़ का कलर लग गया, ये देख रहे हो आप। पता नहीं मैंने तो हाथ से वॉश किया, फर्स्ट टाइम मैं सभी कपड़ों को हाथ से वॉश करती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस चीज़ का इसमें कलर लग गया है, पर खैर कोई नहीं, घर में पहनने वाला है। पहले मालिश, उसको मालिश करवानी नहीं है, उसको सीधा नहाने का मन है। नीबू पहले मालिश कर लो, पहले मालिश हो जाएगा फिर नहाना है। देखिए बिल्कुल उसको मालिश नहीं करवाना रहता है। 5 मिनट करवा लो, 5 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा नीबू, बहुत टाइम नहीं लगेगा। मालिश अब बिल्कुल एंजॉय नहीं करता है, दीदी कर रही है ऐसा नहीं है, जो इसकी मसाज वाली आंटी है वो भी करती है, तो नहीं मजा आता है उसको। साथ ही में तो एकदम रोने लगेगा, जाने का मन ही नहीं करेगा। फिर जब मसाज वाला स्टार्ट होता है, जैसे कुछ टॉय दे दिया, कुछ बातें कर रही है, हंसा रही है, फिर जाके स्लोली उसको ठीक ठाक लगता है। पर स्टार्टिंग में तो बहुत होता है, पर नहाने में नहीं। पानी का तो इतना ज्यादा उसको, पानी इतना पसंद है ना, स्विमिंग पूल हो, टब हो, या ऐसे ही इशारा दिलवा दो, वॉशरूम देख के इशारा करता है कि मुझे नहाने ले चलो, मुझे मालिश मत करो। ये छुट्टी, खाना खाने से जो उसको छुट्टी जैसे ही मिला, जो खुश हुआ है बच्चा, जैसे कितना तकलीफ में था ये खाना खाने में, ताली बजाने लगता है, खुश हो जाता है बिल्कुल नींबू। छुट्टी छुट्टी ये छुट्टी क्या मिल गया नींबू को? छुट्टी छुट्टी नींबू छुट्टी। ऑफिस में लंच करेगा, एक्चुअली ऑफिस में भी नहीं, उसका ना आज टीम लंच है, तो वो लोग गए हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो जब अंगद को लंच नहीं करना होता है ना, तो मुझे उतना टेंशन नहीं होता कि खाने में क्या बनाया जाए। तो कल तो हमने कड़ी बना के खाई थी मैं और दीदी, अच्छा लग रहा है। देखिए थोड़ा सा बड़ा है ऑफकोर्स पैरों से, लेकिन सही है नींबू, अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ और देखिए इस तरीके से ना आप खड़े हो जाता है वो, और उस टेबल पे जो रखा है उससे खेलना चाहता है। सेफ्टी के लिए सोच के मैं ऐसे एक तकिया रख देती हूँ कि बाय चांस गिरे उस पे गिरे, पर कोई गारंटी नहीं होती कि गिरेगा तकिए पे गिरेगा, पर ऐसे आराम से खड़ा हो जाएगा और टेबल पकड़ के वो चारों तरफ मतलब उधर भी चला जाता है। क्या है तुम्हारे पास? अच्छा मेरा क्लचर लेके खेल रहा है, इधर हूँ मैं, इधर इधर हाय। क्या है तुम्हारे हाथ में? देखिए धीरे से वो बैठ भी जाएगा, थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। ये वाला जो पेंटिंग है ना, ये देखिए इसके एक्चुअली कैनवास के ऊपर है, तो बीच में तो खाली रहता है, पेपर है एक्चुअली ये, तो इसमें अगर जोर से हाथ मारेगा तो फट जाएगा। नहीं वो नहीं छूना है, वो फट जाएगा, उसको वही चाहिए। देखिए देखिए देखिए, अरे वाह नींबू कितना प्यारा लग रहा है, देखिए तो नींबू कितना। अब इसका थोड़ा ध्यान भटकाना थोड़ा मुश्किल है, देखिए उसको वहीं जाके अब हाथ मारना है। नींबू देखो देखो क्या है वहाँ पे, बलून है। नींबू का बलून कहाँ है बलून? बस वो 2 मिनट लगता है, वो भूल भी जाता है पर जिद पकड़ लेता है। हाँ तो ये मैंने पेपर फ्राई से लिया था, आप वहाँ पे ढूंढेंगे ना कैनवास पेंटिंग, और ये बहुत बड़ा है साइज़ का एक्चुअली, आप देखो तो सोफ़े से थोड़ा सा उधर अभी लगा हुआ है क्योंकि सोफ़ा ही मैंने साइड कर दिया है, अदरवाइज आप देखोगे तो सोफ़ा के लेंथ के बराबर का ये है। बेबी होने के बाद में आपस में टाइम नहीं मिलता है, पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए करिए बहुत मीन करता है, जैसे कि अभी मैं नीव को सुला रही थी, अंगद जल्दी आ गया, तो अंगद मेरे लिए आइसक्रीम लेके आई, मेरा फेवरेट आइसक्रीम है। आजकल एकदम ही फेवरेट हो गया है। बहुत टेस्टी है, क्या नाम है ब्रांड का? डेरी, मैंने फाड़ दिया वो पानी, नहीं पता दूसरा है। पर इतना टेस्टी आइसक्रीम है, तो अंगद ना इसे एंटर हुआ, अपना चाबी से गेट खोल लिया, बेल मैंने पढ़ा मत बजाना, मुझे से दिखा रहा है जल्दी आओ बाहर खाने के लिए आइसक्रीम, नीव के सामने तो खा नहीं सकते, बट इतना टेस्टी है ना। है वनीला एंड चॉकलेट ही कुछ है, कॉम्बो अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है। अब तो नीर भी सो रहा है, दीदी भी सो रही है, तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया आइसक्रीम एंजॉय करने की। मैं सोच रही थी कि तुम अगर आ जाओ तो चाय बना के अभी पी लेंगे, तो अब तो मुझे आइसक्रीम मिल गया। कैसा रहा लंच? अच्छा रहा। मुझे याद किया, कुछ लाए हो?
कुछ लाना ही है वहां ऑफिस का लंच से क्या लेके आऊंगा, वो भी बफे में से डब्बा में साइड में डालू क्या। होटल गए थे मसाला मंडी मसाला। हाँ। अरे ये ऐसा होटल है ना जिसका मैं नाम भूल जाती हूँ, आप मुझसे पूछोगे ना, मैं गई हूँ कई बार, कि कौन सा होटल है, तो मुझे सबसे पहले याद आता है मसाला भिंडी, ताजा थिंडी, ताजा थिंडी। कभी भी मसाला मिंडी। गत के वॉलेट में मैं आपको एक क्यूट सी चीज दिखाऊं, एनी गेसेस मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है मैं क्या दिखाऊंगी। कर लिया, चलिए अब दिखाती हूँ। टन टन, यस, नीव एंड नीव की मम्मा का फोटो। वैसे नीव की मम्मा आपको नीव की मम्मा लग नहीं रही होंगी क्योंकि मेरी बहुत पुरानी फोटो है। ये फोटो है 2011 की, 2012 में हमारी शादी हुई है, तो शादी से एक साल पहले। तो जब मैं अंगद को मिली थी ना, उस टाइम पे मैं ऐसी ही दिखती थी। बाल मेरे एक्चुअली लंबे हैं, पर पीछे साइड में आपको दिख रहे होंगे लंबे बाल, आगे की तरफ में तो शॉर्ट रखा हुआ है, मैंने लेयर्स में करवाया था। और कितनी पतली सी थी देखिए, ये मेरे लाइफ का बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक फेज चल रहा था और उस टाइम पे बहुत 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 वेट लॉस हो गया था मेरा। एनीवेज, तो वो फोटो है और साथ में है नीव का फोटो जो हमने स्टूडियो में करवाया था, पासपोर्ट साइज नीव का फर्स्ट फोटो। चोटी देख लीजिए इसकी, तब मैं दो चोटी इसको नहीं करती थी, दो चोटी नहीं हो पाते थे, तो ये पहले मेरा फोटो रखता था अंगद, अब नीव का भी इसने ऐड कर दिया है। आइसक्रीम लेकर के आया वो तो ठीक है, चलिए और भी घर के लिए कुछ कुछ सामान लेकर आया, और जब देखती हूँ पैकेट खोल के तो मिलता है डीओ। अभी मैंने कल ही मर्सिडीज का डीओ मंगाया मैन वाला, जो वो भी लगाएगा मैं भी लगाऊंगी। क्यों लाए अंगद? क्या क्यों लाए वो डीओ फिर से, जब मैं डीओ ले चुकी हूँ? मुझसे उतना महंगा डेली बेसिस अंगद, वो 800 रुपए का डीओ है, इससे बस 500 रुपए महंगा, और हम दोनों लगे ना हो पाएगा भाई। अपना प्राइवेट अच्छा है, लिटरली डीओ लेक नहीं, वो 300 रुपए का है, मैंने देखा। तुमको क्या ऑफर में मिला है? हाँ? ओ, अब तो 150 में मिला होगा, नहीं हाफ प्राइस, 150 का डीओ। 99 का भी मिलता है। मैं हैरान हूँ देखिए कि अपना लेकर आया है लिटरली। मैं तो वो ही यूज करूंगी, और फिर मत करना, फिर तो मत करना फिर कभी यूज, अगर देख लिया यूज करते हुए तो। अरे डेली बेसिस पर नहीं, कभी कभी तो यूज कर ही सकते हैं। डीओ 800 रुपए का भी संभाल के रख रहा है, वाह वाह वाह। इसलिए कहते हैं कि शादी ऐसे आदमी से करिए जो पाई पाई जोड़े, ताकि आप बचे पैसे खर्च कर सके। इतने बड़े बड़े साइज का लिखिए मैंगो लेकर आया है। एक दिन फ्रूट शॉप वाले ने बोल दिया कि सर लास्ट चल रहा है सीजन मैंगो का, उसके बाद मिलेगा नहीं, तो बस अब लेकर आता है। और ये बैंगन पल्ली आम है, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा आता है, मतलब कुछ कुछ तो छोटे भी दिखेंगे आपको, छोटे भी मतलब इतने तो होते ही होते हैं, पर ये देखिए कितने बड़े साइज का है, मतलब एक आम में आप पूरी फैमिली 2-3 लोग आराम से खा सकते हो। जब अंगद ऑफिस से आया, नीव सो रहा था, फिर हमने चाय वाय पिया, उसके बाद नीव उठा, थोड़ी देर नीव के साथ अंगद खेला और अंगद सो गया, नीव चला गया नीचे खेलने के लिए। घर में एकदम शांति, तो मैं मजे से देख रही हूँ अपना कंटेंट। मुझे ना ऐसे इंटरव्यूज वगैरह देखना बहुत बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसके इंटरव्यूज को 1.5-2 घंटे का भी अगर एपिसोड है तो मैं देख सकती हूँ। अंगद को नहीं अच्छा लगता कि कितना सुनू, क्या बकवास कर रहा है, होता है किसी किसी लोगों को नहीं अच्छा लगता सुनना। मुझे अगर कोई बंदा पसंद है ना तो उसके बारे में जानने को अच्छा लगता है, फिर मैं ऐसा नहीं करूंगी कि स्किप कर दूंगी, मैं सब बैठ के सुनूंगी। तो जैसे कोटा फैक्ट्री अभी आई है, फिर जो पंचायत सीरीज आई थी तो उसका भी इंटरव्यूज था, नीना गुप्ता और ये सब लोग थे उसमें, तो वो भी बैठ करके मैं सारा उनको जो जहां जहां उन लोगों ने इंटरव्यू दिया है वो मैं बैठ के देखती हूँ। और भी जो भी लोग अच्छे लगते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा है, उसके भी कोई भी इंटरव्यूज होते हैं तो मैं देख लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एनीवेज, तो ये सब करने का टाइम नहीं मिलता था अभी नीव के होने के बाद, कहाँ ही टीवी देखना, हमारे पास ना डीटीएच कनेक्शन नहीं है। नीव का नाम लिया, नीव आ गया, 100 साल जिएगा बच्चा, इंटरनेट कनेक्शन है बस, हमारे पास डीटीएच नहीं, तो जो देखना है वो नेटफ्लिक्स अमेजोन पर देखना, देखिए वो बेल जो बजा रहा है, अब मुझे टीवी बंद करना पड़ेगा, वो खेलता है बेल बजा बजा के। तो बेसिकली मैं पिछले आधे घंटे से देख रही थी, काफी देख लिया, मतलब ऑलमोस्ट ये एपिसोड जो है ये पूरा हो गया, पर अब करते हैं बंद और नीव को अंदर लाते हैं। कौन आया है? नीवू आया है। कौन बेल बजा रहा था? कौन बेल बजा रहा था? आजा 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 आजा, हेलो, हाय करो, हाय करो, पहले हाय करो, हाय करो, ऐसे करो, हेलो, ऐसे हेलो, हाय नीवू। तो सो रहे हैं, देखिए उठा रहा है अंगद को, सो रहे हैं पापा नीवू। देखो कैसे उठा रहा है तुमको, उठो उठो, बोलो उठो उठो, प्यार से उठाओ, मार पीट के नहीं, प्यार से। या तो फिर तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ नीवू। कैसे घुस रहा है देखिए कि उठो, अरे अरे मैं नहीं खोलूंगी, वो बोल रहा है कि क्यों ये बंद क्यों कर दिया, मेरे को निकाल बाहर, नहीं अंदर खेलो,
ये नहीं खुलने वाला बाबू, कितना भी कर लो ये नहीं टूटेगा। वो पूरा कोशिश करता है कि इसको गिरा दूँ, और वो साइड में जहाँ अंगद ने हाथ रखा है ना, वहाँ कोने से भी वो चाहता है कि बाहर निकलने का हो जाए पॉसिबल। इससे खेलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बजा के दिखाओ ऐसे करके। इतना देर ये नीचे खेल के आया है पर इसका मन नहीं भरा है, अभी अंगद के साथ नीचे खेलने जाएगा। लेट्स गो, चलो लो लेट्स गो। नीचे खेलने का घूमने का कितना चस्का लग गया देखा, दीदी के साथ इतने देर घूम के आया है फिर भी अंगद के साथ गया है, और अभी तो उसका ये राउंड 2 था, अभी राउंड 3 भी होगा, नहीं टेक्निकली राउंड 3 है, राउंड 1 तो सुबह ही हो गया। अभी अंगद की मीटिंग रहेगी, कह रहा है कि 7:30 से लेकर के 10:30-11:30 तक मीटिंग चलेगी, तो अभी नीचे से घूम के आएगा, नहीं वो फिर नाश्ता करेगा, मैं उसके लिए बना रही हूँ रागी बनाना मिक्स करके, वो खाएगा सो जाएगा, सो के उठेगा फिर जो 8 बजे, फिर मैं नीचे लेके जाऊंगी क्योंकि अंगद की मीटिंग रहेगी, फिर मेरे साथ 45 मिनट्स 1 घंटा नीचे घूम के आएगा, फिर उसको उसका रूटीन पूरा होगा, पर बहुत मजा आता है उसको। कबू आजा 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 कबू, इतना सारा कबू है, माय गॉड, एक साथ इतना सारा, बहुत सारा कबूतर उड़ रहा है, नींबू को बहुत पसंद है कबूतर, है ना। चलिए आगे नीचे से अब इसको नाश्ता कराऊंगी और फिर इसको सुला दूंगी, है ना नींबू। कबू देखते देखते हम लोग नाश्ता कर लेंगे, कहाँ है कबू, कहाँ, बुलाओ कबू को बुलाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सो कबू दिखाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ, और आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हम लोग मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, बाय बाय, ये वो कर दो, टाटा टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा। हो देखो कबू का आवाज आया, देखो 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 देखो।